अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिबास किचन। यम्मी एंड डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी है दिल्ली स्टाइल नन्ही निहारी। ये खाने में बिल्कुल गोड़ी की तरह लगती है। हम इसे गोश्त और नली के पीसेस यूज़ करके बनाते हैं, इसमें गोड़ी नहीं रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। नली निहारी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 kg मटन, इसमें मैंने नली और गोश्त दोनों लिया है, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर और पानी। कुकर में आप सारे मसाले डाल दें। इसमें हम आधा नमक डालेंगे, बाकी नमक हम बाद में ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और इसमें इतना पानी डालें कि गोश्त अच्छे से कवर हो जाए। यहाँ मैंने 2 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। अब कुकर का कैप बंद कर दें और इसे गैस पे चढ़ा दें। एक सीटी बोलने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दें और इसे धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। 15 मिनट बाद आप गैस को बंद कर दें। बाकी के मसालों में हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ प्याज स्लाइस किया हुआ, धनिया पत्ती, अदरक, इसे मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, बचा हुआ नमक, 7 teaspoon धनिया पाउडर, 2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon सौंफ, 2 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 1¼ teaspoon गरम मसाला, 2 teaspoon पोस्ता दाना। सबसे पहले हम धनिया पाउडर, पोस्ता दाना और सौंफ को पीस लेंगे। सौंफ को हम पहले रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमने मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। एक बर्तन में 100 ml तेल डालकर इसे गरम कर लें। जब तेल गरम हो जाए तब आप इसमें स्लाइस किया हुआ अनियन डालकर इसके हल्का लाल होने तक भूने। ये हल्का लाल हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे सौटे करेंगे। अब आप इसमें पीसा हुआ मसाला जो हमने पीस कर तैयार किया था, लाल मिर्च पाउडर और बचा हुआ नमक डालकर आप मसाले को अच्छे से भून लें ऑयल सेपरेट होने तक। जब मसाला अच्छे से भुना जाए तब आप इसमें मटन के पीसेस डालकर इसे 5 मिनट भूनिए। अब आप इसमें गोश्त का पानी डाल दीजिए जो कुकर में था। और इसे मिक्स कर लें।
इसे कवर कर दें और इसे बॉईल होने दें। इसमें आप 3 से 4 हरी मिर्च डालकर इसे मिक्स करें और इसे कवर करके 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाइए। 10 मिनट बाद आप इसमें 1 टेबल स्पून बेसन को पानी में घोल कर डालिए ताकि जो हमारा ग्रेवी है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। साथ ही में आप इसमें गरम मसाला भी डाल दें। और इसे दोबारा कवर करके 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाइए। लास्ट में आप इसमें अदरक और धनिया पत्ती डालकर इसे मिक्स करें। और इसे 2 से 3 मिनट और पकाएं। उसके बाद गैस को बंद कर दें। नल्ली निहारी तैयार है। इसे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट संडे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।